जय बद्री केदार जी की जय हो दोस्तों। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और आज ब्लॉग में कुछ थोड़ा खास है। खास ये है कि आज मैं आपको दिखा रहा हूँ लोकल जो सामान है, तो पूरा सामान आपको दिखाता हूँ कि लोकल में क्या क्या है। और हमारे जो पहाड़ी भाई हैं उन्होंने यहाँ पे के प्राइड मॉल है तड़ियाल चौक में, तो उन्होंने यहाँ पे लोकल पहाड़ी जो जितने भी सामान है लोकल के, तो उन्होंने यहाँ पे जन सहकारी कैंटीन यहाँ पे। अभी दोस्तों मैं के प्राइड मॉल में हूँ और यहाँ पे है जन सहकारी कैंटीन, तो अंदर ले चलता हूँ मैं आपको सीधे। तो ये पूरी जो आपको कैंटीन दिख रही है, इसमें जितने भी आइटम हैं आपको, ये जितने भी आइटम यहाँ पे मिलेंगे सारे लोकल हैं ये। और यहाँ पे अभी ग्राहक भी लेने के लिए आ रखे हैं, तो मैं भी बात कराता हूँ यहाँ पे जो यहाँ के ओनर हैं उनसे बात कराता हूँ। उनकी अपनी टीम भी है यहाँ पे। मेरे साथ जुड़े हैं रवि भाई जो लोकल हैं यहाँ के पहाड़ी भाई हैं। भाई जी आपका स्वागत है। हाँ नमस्कार जी। तो यहाँ पे जितने भी लोकल हैं यहाँ पे क्या क्या हैं आप थोड़ा इसके बारे में बताओ। अच्छा मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास इस समय अभी यहाँ पे जो है सारे हमने कोशिश करी कि लोकल प्रोडक्ट रखे जाए, और लोकल प्रोडक्ट में हमारे पास यहाँ पे ये सरसों का तेल है जो प्योर सरसों का तेल है चरक के नाम से। आप चाहे तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी देख सकते हैं किस तरह से होती है। फिर दूसरा जो बाज़ार में बिकता है तेल वो भी ये भी कोरदारी है अरुण राधा के नाम से। ये 120 रुपये लीटर है, ये प्योर, ये भी कोरदारी मैन्युफैक्चरिंग है। इस तरह से ये चाय पत्ती है, ये भी कोरदारी मैन्युफैक्चरिंग होती है उलार के नाम से। और इस तरह से हमारे ये पूरा स्काय ये है जूस वगैरह रखे हुए हैं जो ये कोटदारी मैन्युफैक्चरिंग होते हैं सारे टोटल। और ये हमारे मसाले का पूरा सेगमेंट है, ये मसाले पूरे कोटदार में ही महिलाओं द्वारा बनाए जाते हैं जो उनके लिए हमने ये रखे हुए हैं। ये रेट में क्या अंतर है जो आपको इसके रेट में और बाज़ार के रेट में? आपको तकरीबन अगर मैं हल्दी की बात करूँ तो तकरीबन आपको 20 से 25 रुपये का डिफरेंस मिलेगा केजी पाव में। अभी हमारे पास जो हल्दी अवेलेबल है 80 रुपए के पाव के हिसाब से है, और मार्केट में तकरीबन यही मेरे हिसाब से चल रही होगी अभी 140 से 130 के करीबन होगी। तो ये दोस्तों ये देखिए इसमें जो एमआरपी दिख रहा है आपको, एमआरपी 141 है और यहाँ पे ये मिल रहा है आपको 80 रुपए में। 80 रुपए में कहाँ 141 कहाँ 80 रुपए में। और बाकी यहाँ पे ये आटा भी कोटदारी मैन्युफैक्चरिंग होता है, इसमें हम अवेलेबल भी 30 रुपये में करा रहे हैं। और हालांकि इसके रेट अभी कम हो सकते हैं अगर हमारी परचेजिंग पावर हम बढ़ाते हैं और आप जनता हमारा साथ देती है। तो इस तरह से ये चावल हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं सारे, आप देख सकते हैं दो तरह के चावल हमारे पास अवेलेबल हैं। और ये हैं, और बाकी ये क्राफ्ट का काम सारा कोटदारी मैन्युफैक्चरिंग होता है, जिसमें आप देख सकते हैं कितने सुंदर मंदिर बने हुए हैं, केदारनाथ वगैरह, सिद्धवली हो गया, पैग वगैरह आप जो घरों में यूज़ करते हैं, या जैसे कि आप अगर शॉपिंग वगैरह जाते हैं तो ये एक बहुत अच्छा चेन वाला बैग है, और मात्र सिर्फ 170 रुपये में, वो भी प्योर जूट का। ये यहाँ पे बड़ियाँ वगैरह हैं जो घर में मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, और घर की राजमा अभी हमने रखी हुई है ये है। बाकी वगैरह आपको दाल वगैरह सारी मिल जाएंगी टोटल। इसका रेट भी आप देख सकते हैं, एमआरपी 115 है। कितने का है ये? 200 का है। 200 का है ये? ना ये आधा केजी का है। अच्छा, ये आधा किलो का है। ये 100 रुपए का है, उसके एमआरपी इसमें 115 है। ये देखिए आप, ये 100 रुपए का। और ये उड़द बड़ी हो गया, इसमें तीनों तरह की बड़ी है हमारे पास। अच्छा, ये उड़द बड़ी है, मूंग बड़ी है और गैद बड़ी है। गैद बड़ी ये अचार हो गए, गैद बड़ी है, ये गैद बड़ी है जो गैद में हम यूज़ करते हैं। ये अचार वगैरह ये घर का बना हुआ है, प्योर प्योर है। हाँ प्योर घर का बना हुआ है, जिसमें किसी तरह कोई केमिकल यूज़ नहीं किया गया है। जो आप घर में आपके दादी या नानी जो अचार बनाते होंगे उस टाइप का अचार है ये। इसको आप एक बार ले जाइए और भूल जाइए, ये ख़राब नहीं होगा। इस तरह सत्तू वगैरह है, ये जलजीरा है हमारा, ये चीज़ है, ये भी सत्तू है, चने का सत्तू। ये चने का सत्तू है, एमआरपी इसमें 70 है पर ये मिल रहा है यहाँ पे 60 रुपये का, केवल 60 रुपये का। ये आइडिया कहाँ से आया, ये पहाड़ी का आइडिया? ये आइडिया एक्चुअली मैं जो
एक्चुअली में ये आइडिया हमारे को ऐसा आया था कि हमारा मेरी खुद की चाय का जो ब्रांड है मैं बनाता हूँ, लेकिन जब हम बाज़ार में जाते हैं तो हमें ये बोल के हमारा सामान नहीं रखा जाता है कि हम ब्रांड बेचते हैं, हम लोकल सामान नहीं बेचते हैं, तो इस तरह की दिक्कत आती है। और कोई दुकानदार हमारा सपोर्ट भी करता है तो वो कहता है कि आ जाओ कल आओ जी इस तरीके से। और ऐसे ही हमें बहुत सारे लोग मिले हैं जो इस चीज़ से परेशान थे इन चीज़ों से, तो हमने उनके लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार, हमारे जो हमें प्लेटफॉर्म ये प्लेटफॉर्म तैयार किया हमने उन लोगों के लिए। इससे दो लोगों के लिए फ़ायदा है, एक जो मैन्युफैक्चर कर रहा है कोटद्वार में रह के जिसको परेशानी हो रही है, दूसरा ग्राहक के लिए कि उसको जो हम जो डीलर को और जो हम दुकानदार को रेफर देते हैं वो हम दुकानदार को ना दे के सीधा ग्राहक को दे रहे हैं, जो ग्राहक को सस्ता मिल रहा है। और हमारी कोशिश है कि आगे हम जिसको बढ़ाएं और जनता का सहयोग मिले तो ज़्यादा। बाकी यहाँ पे कुछ ग्राहक यहाँ पे सामान ले रहे हैं, रेट कैसे लग रहे हैं आप लोगों को यहाँ पे? ठीक लग रहे हैं रेट? रेट सही लग रहे हैं? आज यार है? कोई नहीं, रेट तो देख नहीं, जो बाहर है मार्केट में है, मार्केट के जैसे महंगाई है ना, महंगाई से यहाँ ठीक ठीक लग रहा है रेट? बाकी तो सामान भी वहाँ भी वही है, यहाँ भी ये लोकल है, सही लग रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो देखो आप देखो। तो साथियों यहाँ पे काफ़ी कम रेट पे यहाँ पे पहाड़ी सामान है तो यहाँ पे मिल रहा है, और सारी लोकल आइटम है यहाँ पे, तो पूरा लोकल आइटम है यहाँ पे, तो बिल्कुल सस्ते अच्छे दाम पे मिल रहे हैं। बिल्कुल घर में जितने भी यूज़ होने वाला सामान है आपको सब मिल जाएगा यहाँ पे। तो अभी साथियों मेरे साथ हैं भाई जी हैं यहाँ पे, और इनकी जितनी भी पूरी टीम क्या है, तो पूरी टीम यहाँ पे लगी हुई है, और बिल्कुल पहाड़ी जो आइटम है यहाँ पे, पहाड़ी आइटम का यहाँ पे बिल्कुल प्रचार भी और सामान यहाँ पे बेच रहे हैं कस्टमर को। जितनी जो मार्केट में जो काफ़ी आजकल महंगाई है, तो मार्केट में इतना ज़्यादा दाम पे यहाँ मार्केट में मिल रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी कम रेट पे यहाँ पे मिल रहा है। तो भाई जी से बात कर लेते हैं, पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नैन मोंगिया है, मैं नगर महामंत्री आपका भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से। सर हमारा फर्स्टली कॉन्सेप्ट ये है कि जितने उत्तराखंड के लोकल ग्राम उद्योग हैं, जैसे उद्योग वाले हैं आपका, इनको ना बाज़ार में बेचने में सामान बेचने में दिक्कत आती है। कोई भी अगर लोकल सामान लेके जाता है बाज़ार से बाज़ार में, तो अपना वो उनको साफ मना कर देते हैं कि हम नहीं लेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। उनसे क्या है, अब हमने नया कॉन्सेप्ट ये रेडी करा है कि फर्स्टली यहाँ पे जो डायरेक्ट फैक्ट्री वाला है वो बंदा अपना यहाँ सामान रख सकता है, सामान रखे अपना यहाँ पे, ठीक है, उसका सामान बिकेगा, कंज्यूमर को कम रेट पे भी मिलेगा और उसको अपना डायरेक्ट पैसा भी मिलेगा और टाइम टू टाइम मिलेगा। क्योंकि मार्केट में जो उधार का रेट सिस्टम बहुत गंदा है, उसी चीज़ पे हमने ये कॉन्सेप्ट सोचा है। और कंज्यूमर के लिए ये है कि 30-50% पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, और चीज़ें जैसे आपका दालें वगैरह हैं ये चीज़ें सस्ती मिलेगी आपका, जैसे जो घरेलू सामान में सब कुछ बेस्ट मिलेगा और अच्छा अच्छा मिलेगा आपको। ये जैसे आप लोग अभी साथ में कितने लोग हैं? अभी तो हमारे साथ 7-8 लोग जुड़ चुके हैं, मतलब जो ग्राम उद्योग से आपका काम कर रहे हैं, ठीक है, बाकी भाई साहब वगैरह सब अपने साथ ही है, ठीक है, मैडम भी है हमारे साथ, रश्मि राणा जी भी है, ठीक है, जो आपका पीछे आपने देखा होगा कि पीछे आपका ये मैन्युफैक्चर्ड कर रहे हैं, ठीक है, आपका उसी चीज़ में सब कुछ जोड़ धीरे धीरे कार बोलते हैं ना, रास्ते में चलते जाओ धीरे धीरे कारवा बनता है अपना, ठीक है, वही सिस्टम अपना है। ये दिमाग में कैसा है कि जैसे आजकल महंगाई है बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को हम थोड़ा सस्ते दाम पे सामान दिया देंगे? सर ये चीज़ सोच समझ के हमें 1-2 महीने लगे, ठीक है, बट जो आपका यहाँ का जितना पैसा है, जितना पैसा है आपका ITC कंपनियाँ यूज़ करती है वो सारा बाहर भेज देती है, यहाँ पे तो कुछ बचता ही नहीं है ना, उसी चीज़ में हमने सोच के ये काम शुरू करा है, ठीक है, उसी चीज़ में बेस पे आपका काम है। दिन भर में कितने लोग आ जा रहे हैं ग्राहक? दिन भर में आपका कम से कम 50-60 लोग आपका, 50 अभी शुरुआत है, 60-70 लोग आपका सामान यहाँ से लेके जा रहे हैं आराम से। तो साथियों यहाँ पे जितने भी हमारे भाई बंधु हैं लोकल हैं और कोटद्वार के, खासकर कोटद्वार के रहने वाले हैं, तो आप अवश्य आएँ और पहाड़ी जो आइटम है आप उसका लुत्फ़ उठाइए, क्योंकि हर घर में जितने भी आइटम आपको मिलेंगे तो ये बिल्कुल यहाँ पर आपको सारा आइटम यहाँ पर मिल जाएगा, और बिल्कुल पहाड़ी आइटम है, तो आप आइए यहाँ पे, के प्राइड मॉल है तड़ैल चौक में, तो आप यहाँ पे जन सहकारी कैंटीन के नाम से है जी, तो आप अवश्य आए यहाँ पे, आपको भाई लोग इनकी पूरी टीम है यहाँ पे, ग्रुप है इनका यहाँ पे, तो आप अवश्य आए। चलो ठीक है, धन्यवाद।